केम छो दोस्तों मजा में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले नाइट ऑफ सिकरियो हॉलीवुड मूवी रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों नाइट ऑफ सिकरियो 2021 की एक्शन ड्रामा थ्रिलर हॉलीवुड मूवी। तो दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है सिटी में आए मीरा नाम के एक भारी और भयंकर तूफान की वजह से अंकल नाम के एक बड़े डॉन के खिलाफ चल रहे होते हुए अदालत में कोर्ट केस को डिले कर दिया जाता है। इस केस के अहम गवाह एमिलिया और उनके पिता को पुलिस एक सुरक्षित जगह पे लेके जा रही होती है, लेकिन बीच रास्ते में उनके ऊपर कुछ गुंडों द्वारा अटैक किया जाता है। इस अटैक में एमिलिया के पिता घायल हो जाते हैं। बाद में पुलिस और एमिलिया और उनके पिता को टेलर नाम की एक महिला के घर पे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद इस मूवी में क्या क्या होता है इसी के बेसिक के ऊपर आपको इस मूवी की कहानी देखने को मिलने वाली होती है। बात करें इस मूवी के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट की, तो मूवी की कहानी और स्क्रीन प्ले इतना बढ़िया दमदार नहीं है। मूवी की कहानी आप आसानी के साथ गेस कर पाएंगे कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। बात की जाए मूवी के क्लाइमेक्स की, तो दोस्तों इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको इस मूवी में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बात करें मूवी के एक्शन सीन्स की, तो दोस्तों इस मूवी के एक्शन सीन्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं जमते हैं। बात की जाए एक्टिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की स्टार कास्ट की तरफ से आपको इस मूवी में ठीक ठाक एक्टिंग देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बात करें कि ये मूवी मुझे कैसे लगी और दोस्तों आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों इस मूवी ने मुझे ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया है, ये मूवी मुझे ओके टाइप की लगी है। बात करें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, अगर दोस्तों आपके पास फ्री टाइम है तो दोस्तों आप ये मूवी टाइम पास के लिए एक बार ये मूवी देख सकते हैं। इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको ठीक ठाक लग सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये मूवी थोड़ा सा निराश कर सकती है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का ये मूवी रिव्यू। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल कर दबाइए, क्योंकि हम इस तरह की मूवी रिव्यू हमेशा लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।